हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और जैसा कि सेकंड जो बुक है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और सेकंड बुक को लेके मैंने केवल अभी तक आपको ये बताया फर्स्ट पार्ट में कि सेकंड बुक जो है वो किससे संबंध रखती है, सेकंड बुक में जो है हमें क्या चीज़ सीखने को मिलने वाली है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ और बाद में हम हमारे आज के इस मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सेकंड बुक जो है वो किसके लिए है, आपकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में जो है वो तो क्या कहा जाता है, व्यापारिक संस्था। क्या कहते हैं, व्यापारिक संस्था। आप व्यापारिक संस्था भी कह सकते हैं या व्यापारिक संगठन भी कह सकते हैं। और व्यापारिक संस्था का मतलब होता है एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह है जहां पर हम माल खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड जो बुक है उसमें हमें कौन सा काम सीखना है, बस इसको आप समझ ले तो फिर सेकंड बुक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकंड बुक में हमें क्या करना है, माल खरीदना और माल बेचना, ये वाला काम करना है। और ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट पार्ट में भी आपको बता दिया था कि जैसा कि एक किराना स्टोर की दुकान होती है, एक मेडिकल की दुकान होती है, कपड़े हैं, चप्पल जूते इनकी दुकान होती है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, टीवी है, फ्रीज है, एसी है, कूलर है, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, और इस प्रकार की और भी बहुत सारी दुकानें जिनका एग्जाम्पल जो है आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देख सकते हैं। तो इसको समझने का सिंपल सा लॉजिक यही है कि जहाँ पर माल खरीदने और बेचने का काम किया जाता है उन संस्थाओं को हम क्या कहने वाले हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम उनको कहेंगे। तो ये तो हुई बात कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर समझना ये होगा कि हम जहाँ पर बार बार एक बात रिपीट हो रही है माल को लेकर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है गुड्स। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ भी समझनी होगी, हमें ये बात भी समझनी होगी कि गुड्स बेसिकली क्या चीज़ है, गुड्स का कॉन्सेप्ट हमें जो है वो क्लियर करना होगा। तो उसको लेके आज की हमारी क्लास, इस टॉपिक को लेकर आज की हमारी क्लास होने वाली है। और जैसा कि आज का हमारा ये टॉपिक रहा आपके सामने, आज हम ये बात करने वाले हैं कि गुड्स में और असेट्स में डिफरेंस क्या होता है। हम गुड्स किसे कहें ये भी आज हम समझ जाएंगे, और असेट्स किसको कहते हैं ये भी आज की इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं। क्लास को समझने के लिए, आज के इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैं एग्जांपल देके पहले यहाँ पर बात करूँगा, फिर हम आगे और जो भी ज़रूरी है वो बातें करते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा फर्नीचर, और फर्नीचर आप सभी समझते हैं, ठीक है। अब देखिए कि एक व्यक्ति है मिस्टर ए, एक व्यक्ति है मिस्टर ए, और ये क्या करता है, व्यापार करता है। किस चीज़ का व्यापार करता है, फर्नीचर का। तो ये मिस्टर ए क्या करता है कि फर्नीचर को खरीदता है और बाद में उसी फर्नीचर को बेचता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मिस्टर ए जब भी फर्नीचर खरीदता है तो खरीदने के पीछे मिस्टर ए का उद्देश्य क्या होता है, फर्नीचर को बेचना। ये फर्नीचर को खरीदता इसी उद्देश्य से है कि ये उस फर्नीचर को बेचे और मार्जिन कमाए, प्रॉफिट कमाए और अपने बिजनेस को चलाए। तो यहाँ पर इसका कारोबार क्या है, इसका व्यापार क्या है, फर्नीचर को खरीदना और बेचना। तो ऐसी स्थिति में ये जो फर्नीचर है ये मिस्टर ए के व्यापार के लिए क्या होगा, गुड्स होगा। बात को समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मिस्टर बी का, और मिस्टर बी क्या करता है, ये भी एक व्यापार करता है। मिस्टर बी भी एक व्यापार करता है, लेकिन ये व्यापार करता है कंप्यूटर खरीदने का और कंप्यूटर बेचने का। तो मिस्टर बी क्या करता है, ये भी काम क्या करता है, कंप्यूटर खरीदता है और बाद में उस कंप्यूटर को बेचता है। ये इसका कारोबार है, ये इसका व्यापार है। तो इसका मतलब हुआ कि मिस्टर बी जब भी कंप्यूटर को खरीदता है तो उसके पीछे इसका उद्देश्य क्या होता है, उस कंप्यूटर को बेचना। ये कंप्यूटर को खरीदता इसीलिए कि ये उसको बेचे। तो इसका काम क्या हो गया, कंप्यूटर को खरीदना और बेचना। तो ध्यान से समझें कि मिस्टर बी के लिए जो कंप्यूटर है वो क्या है, गुड्स है। तो ये बात हुई मिस्टर ए और बी के लिए, कि मिस्टर ए के लिए फर्नीचर गुड्स है, उसी प्रकार मिस्टर बी के लिए कंप्यूटर भी गुड्स है।
लेकिन अब इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करना कि मिस्टर बी जो कि व्यापार करता है किसका, फर्नीचर का, फर्नीचर खरीदता है और फर्नीचर बेचता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बताया कि मिस्टर ए के लिए जो फर्नीचर है वो क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है ना, और किया भी जाता है, कि मिस्टर जो बी है उसको अपने व्यापार का हिसाब किताब रखना है, मिस्टर ए को अपने बिजनेस का क्या रखना है, हिसाब किताब रखना है। तो उस हिसाब किताब को रखने के लिए इसने क्या किया, एक कंप्यूटर खरीद लिया। लेकिन मिस्टर ए का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि ये उस कंप्यूटर को खरीद के और हाथों हाथ बेचेगा। देखो, खरीदने के पीछे उद्देश्य क्या है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, और वो समझ में आ जाएगा तो मैं जो अभी बात बताने वाला हूँ, आज का जो टॉपिक है, वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो मिस्टर ए ने हिसाब किताब रखने के लिए क्या किया, कंप्यूटर खरीदा। तो खरीदने का काम तो वही भी करता है, यानी उसने क्या किया, खरीदा, और क्या खरीदा, कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा, कंप्यूटर खरीदने के पीछे उद्देश्य था अपना हिसाब किताब रखना, अकाउंट्स का काम करना, लेखा जोखा रखना, ताकि हम व्यापार में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है या जो बिलिंग का काम है वो हम कर सके। तो ध्यान से समझना, इस स्थिति में मिस्टर ए के लिए जो कंप्यूटर है वो एक असेट्स का रूप है। तो यहाँ पर बात क्या समझ में आई, कि मिस्टर जो बी है उसके लिए कंप्यूटर क्या है, गुड्स। देखिए, समझने वाले तो यही समझ जाएंगे, आगे और एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं होगी। मिस्टर बी का जो व्यापार है, उसका जो कारोबार है, वो है कंप्यूटर को खरीदना और बेचना। तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर वो है, गुड्स है, कंप्यूटर क्या है, गुड्स है, किसके लिए, मिस्टर बी के लिए। लेकिन मिस्टर ए के लिए जो कंप्यूटर है वो क्या है, असेट्स है, क्योंकि मिस्टर ए ने कंप्यूटर को बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा। वो ये चाहता है कि वो अपने बिजनेस का जो हिसाब किताब है, जो अकाउंटिंग का कार्य है, बिलिंग का काम है, वो कंप्यूटर के थ्रू कर सके, कंप्यूटर के माध्यम से कर सके। तो मिस्टर ए के लिए कंप्यूटर क्या है, असेट्स हैं, जबकि मिस्टर बी के लिए कंप्यूटर क्या है, गुड्स हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर बात ये भी कर लेते हैं कि मिस्टर जो बी है, अब उसको कंप्यूटर वो रखना है, ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, माउस है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, रैम है, यानी बहुत प्रकार की जो भी चीज़ें इसमें आती है कंप्यूटर के पार्ट्स को लेके, तो उनको रखने के लिए मिस्टर बी ने क्या किया, फर्नीचर खरीदा। अब ध्यान से समझें, यहाँ पर मिस्टर बी ने क्या किया, फर्नीचर खरीदा। अब मिस्टर बी का कारोबार क्या है, व्यापार का क्या है, कंप्यूटर को खरीदना और कंप्यूटर को बेचना। तो मिस्टर बी के लिए कंप्यूटर तो क्या है, गुड्स है, जबकि मिस्टर बी ने फर्नीचर खरीदा है अपने उस चीज़ को वहाँ पर रखने के लिए, व्यापार में जो भी उसके पास चीज़ें हैं उनको रखने के लिए। तो मिस्टर बी के लिए फर्नीचर जो है वो क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा गौर करेंगे और समझेंगे तो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा, और एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल आपको देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मिस्टर ए के लिए फर्नीचर जो है वो गुड्स है, क्योंकि मिस्टर ए फर्नीचर का कारोबार करता है, फर्नीचर खरीदता है और फर्नीचर को बेचता है। तो मिस्टर ए के लिए फर्नीचर गुड्स है, जबकि मिस्टर बी के लिए फर्नीचर असेट्स है, वो उसकी संपत्ति है। संपत्ति उसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने बेचने के उद्देश्य से उसको नहीं खरीदा, और साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक वो काम आएगी चीज़, तब तक वो उसको अपने पास रखेगा। तो असेट्स का मतलब क्या हो गया, संपत्ति, प्रॉपर्टी। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी संपत्ति है, क्योंकि ये उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं रखता, ठीक है, ये समझना है। दूसरा, मिस्टर बी के व्यापार के लिए कंप्यूटर है, वो तो क्या हो गया, गुड्स हो गया, क्योंकि वो कंप्यूटर का व्यापार करता है, कंप्यूटर खरीदता है और कंप्यूटर को बेचता है, मिस्टर बी। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ए के लिए जो कंप्यूटर है वो क्या हो गया, असेट्स हो गया, क्योंकि मिस्टर ए ने कंप्यूटर बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा है। तो वैसे समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल पर्याप्त होता है, एक एग्जाम्पल से आपको सारी सारी बात समझ में आ जाती है, सभी बातें समझ में आ जाती हैं कि बेसिकली गुड्स किस चीज़ को कहें और असेट्स किस चीज़ को कहें। लेकिन थोड़ा सा हम इसको और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, कि जब आपको कोई ये पूछे कि भैया गुड्स जो है, माल, ये किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना कि जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है, जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। ये आपको समझना है। आप इसको दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इसका अर्थ दूसरे तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं, कि जिस वस्तु को, जिस
वस्तु को बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है, बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है, मतलब उसको खरीदने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, उस वस्तु को बेचना। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है वस्तु, और यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ वस्तु, तो दोनों को क्लियर किया जा सकता है कि जिस वस्तु का हम व्यापार करते हैं अर्थात जिस वस्तु को हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं उस वस्तु को हमें क्या कहना है, गुड्स कहना है। तो ये तो बात हुई गुड्स को लेके। अब आता थी असेट्स को हम कैसे डिफाइन करें, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि जिस वस्तु का हम व्यापार नहीं करते, जिस वस्तु का हम व्यापार नहीं करते, व्यापार नहीं करते हैं फिर भी हम उसको खरीद रहे हैं, तो वो हमारी असेट्स है। या इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जिस वस्तु को बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता, बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता, नहीं खरीदा जाता। ये लीजिए, ठीक है, दोनों ऊपर जो लिखी हुई बातें उन्हीं को रिपीट करना है। तो जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है उसे आपको गुड्स कहना है, जिस वस्तु को बेचने के उद्देश्य से ही खरीदा जाता है कि हम उसको खरीद के इसीलिए लेके आए क्योंकि हम उसको बेचना है, तो उसको आपको क्या कहना है, गुड्स कहना है। लेकिन जिस वस्तु का आप व्यापार नहीं करते फिर भी आप उसको खरीद रहे हैं, ठीक है, व्यापार को संचालित करने के लिए, या जिस वस्तु को बेचने के उद्देश्य से आपने नहीं खरीदा, खरीदा तो है लेकिन बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा, तो इसका मतलब वो आपके लिए क्या है, असेट्स है। और पिछले वाले एग्जाम्पल से आपको ये चीज इजी वे में समझ में आ गई होगी कि असेट्स और गुड्स जो है वो किसको कहे। फाइनली मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा, ठीक है, मैंने बात करी थी मिस्टर ए की, तो मिस्टर ए का जो व्यापार है वो क्या था, फर्नीचर को खरीदना और फर्नीचर को बेचना, तो मिस्टर ए के लिए फर्नीचर तो क्या हो गया था, गुड्स, राइट। और मिस्टर ए ने हिसाब किताब को रखने के लिए क्या खरीदा था, एक कंप्यूटर खरीदा था, तो कंप्यूटर जो है वो क्या हो गया था, असेट्स। जबकि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो फर्नीचर और कंप्यूटर दोनों है तो वस्तु, लेकिन एक वस्तु जिसको हम गुड्स के रूप में मानेंगे और एक वस्तु जिसको हम असेट्स के रूप में मानेंगे, क्योंकि एक वो वस्तु है जिसका हम व्यापार करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं डेली रूटीन के अंदर, और एक वो वस्तु है जिसको हमने बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा। तो ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस आपको करना है असेट्स में और गुड्स में। इसी प्रकार मिस्टर बी की बात हुई थी, और मिस्टर बी का जो व्यापार है वो किस चीज़ का था, कंप्यूटर खरीदना और कंप्यूटर बेचना, तो इस स्थिति में जो कंप्यूटर है वो तो क्या हो गया, गुड्स, किसके लिए, मिस्टर बी के लिए। जबकि मिस्टर बी ने सामान को रखने के लिए, चीज़ों को रखने के लिए, वस्तुओं को रखने के लिए, कंप्यूटर को रखने के लिए इसने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, क्या किया इसने, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर को हमने क्या कहा, असेट्स, क्या कहा, असेट्स। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर वही बात कि फर्नीचर और कंप्यूटर दोनों वस्तुएं तो हैं, ठीक है, लेकिन मिस्टर बी ने कंप्यूटर को खरीदा इसलिए क्योंकि उसको बेचना है, तो कंप्यूटर गुड्स के रूप में है और फर्नीचर वो असेट्स के रूप में है। तो ये एक एग्जांपल जो है काफ़ी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस क्लास में बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम गुड्स और असेट्स में फ़र्क जो है, डिफरेंस है, वो कैसे करें। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आगे सेकेंड बुक को सीखने के लिए।